नोबिता, तुम सच में किसी काम के नहीं हो, समझे? ये ज्ञान कब जाएगा? लेकिन मुझे लगता है तुम कॉमिक्स के बहुत अच्छे जज हो। हाँ, मुझे पता है, जो कॉमिक मुझे अच्छी लगती है वो जरूर मशहूर होती है। हाँ, सही कहा। तो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज क्रिस्टीन गोडा की नई कॉमिक पढ़ो। क्या क्रिस्टीन? ओह, तुम्हारा मतलब जायको? कहानी दोस्ती की, कितना अच्छा टाइटल है। ये भूल जाओ कि वो मेरी छोटी बहन है और अपनी राय देने में बिल्कुल भी मत झिझकना। ठीक है, मैं बताने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। मजेदार है या नहीं, जल्दी बताओ नोबिता। अरे कुछ तो कहो। मैं बहुत खुश हूँ। क्या सच में? जायको ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, ये बहुत ही सुंदर है। अगर वो बेस्ट राइटर के लिए अप्लाई करेगी तो वो जीत सकती है। हाँ, लगता तो है। मैंने भी यही सोचा था, इसीलिए मैंने उसे वहाँ अप्लाई करने को कहा था। जायको अप्लाई नहीं करना चाहती है क्या? नहीं, उसे नहीं करना था, आखिरकार उसने कुछ अच्छा करके दिखाया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी कहानी है, तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। वैसे इस बार मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी, फिर तो तुम्हें अप्लाई जरूर करना चाहिए। मुझे डर लग रहा है, बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा लिखा है। अगर इस बार मैं कामयाब नहीं हो पाई तो अपने टैलेंट से निराश हो जाऊंगी और फिर दुखी होकर कुछ भी नहीं लिख पाऊंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी तो पता कैसे लगेगा, तुम्हें बस कोशिश करनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ तो? उसकी परवाह तुम क्यों करती हो, तुम्हें बस कोशिश करनी है। लेकिन कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? बस कोशिश करो। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। डोरेमोन, तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो। वैसे जायको ने अचानक ऐसा कैसे कर लिया? इसकी वजह से जो लोग किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो इसकी आवाज़ सुनकर उनमें हिम्मत आती है। अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ। अब मुझे इस्तेमाल करने दो ना, मेरे पास कुछ ऐसा है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, ठीक है, अब मैं फोकस्ड हूँ। मैं होमवर्क भूल गया और मुझे खेलने में बहुत मजा आता है। अरे थैंक यू डोरेमोन। रुक 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 जाओ नोबिता। शिजुका, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊं? क्या है? ये देखो, बारे में। अरे हाँ, शिजुका को भी सेम प्रॉब्लम है जो डिसाइड नहीं कर पा रही है। तुम छोटी चीजों के बारे में चिंता मत करो। हाँ? मैं फोकस्ड हूँ। पता चला, चलो साथ में खेलते हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं डिक्की सुकी से होमवर्क के बारे में पूछ लूंगी। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं शिजुका, रुक जाओ। आखिर मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? ये कैची उतनी अच्छी नहीं है। आज मुझ में हिम्मत आ गई वो बात तुमसे कहने के लिए, क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? मैं भी खुश हूँ, मुझे भी यही कहना था। सच में? तो क्या आज से हम अच्छे दोस्त हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छे, मुबारक हो। ठीक है, मैं इसे दूसरों पर भी इस्तेमाल करूँगा। आखिर मैं वो हार खरीदूंगी जो मैं कब से खरीदना चाहती थी। अब मैं उसे खरीदने जा रही हूँ। ये बात तय है, मैं वो कंपनी छोड़ दूंगा, अपनी कंपनी बनाऊंगा और उसके बाद मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगा, एक बड़ी सी कार। अगला है सुनियो, लगता है वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपना स्टाइल बदल दूंगा। आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे गलती हो गई। आज मुझे बहुत मजा आया। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ?
अभी शुरू किया तो हाँ, ये काम करेगा। मैं अभी हिम्मत करके सो जाता हूँ। ये काम नहीं करेगा, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए नोबिता। उसके बाद टाइम हवा की तरह बह गया। आखिर कल जायको की कहानी रिलीज हो जाएगी। हाँ? कौन सी, किसकी? अरे तुम भूल गए क्या, क्रिस्टीन गोडाज कॉमिक्स। हाँ हाँ याद आ गया, कहानी दासी की। तो उसका क्या हुआ? जायको बहुत उदास हो गई है। जैसे जैसे रिजल्ट का दिन नजदीक आ रहा है, वो अच्छे से खाना नहीं खा रही है। खाने के लिए शुक्रिया। हमेशा वो 5 कटोरी चावल खाती है, लेकिन आज उसने सिर्फ 3 कटोरी खाए। वो इतना खाती है फिर भी कम है। ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज दोस्तों, मुझे टाइम मशीन से कल में लेकर चलो ना। मैं उसे पहले ही रिजल्ट बताऊंगा और उसे पहले ही खुश कर दूंगा। अच्छा तो इसलिए? लेकिन जियान, समझो अगर वो हार गई तो? हार गई तो? जायको होशियार लड़की है, वो कभी नहीं हारेगी। हाँ, वैसे क्या हमें आने वाले कल में जाना है? चलो फ्यूचर वाले कल में चलते हैं। चलो। हे सुनो, जायको ने अपनी इस कहानी पर इस बार बहुत ज्यादा मेहनत की है। अगर वो हार गई तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी, और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता। ये गलत है जियान। ठीक है, हम तुम्हारा यहाँ इंतजार करेंगे, तुम कॉमिक खरीदो। हाँ ठीक है। क्या बात है जियान? माफ करना, पर वापस चलते हैं। मुझे रिजल्ट तो जानना है, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो? वैसे जायको होशियार लड़की है, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो? जायको होशियार है, लेकिन नहीं टाइम है क्या चीज इस्तेमाल करने का। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कॉमिक सिलेक्ट हुई या नहीं। पता नहीं। तुमने कहा था वो जरूर पास होगी। अरे नहीं। रुक जाओ। कोई बचाओ। हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है। जायको। भैया। जायको। भैया, मेरा नाम नहीं आया। अरे तो क्या हुआ, तुम बहुत होशियार हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे सपने पूरे होंगे। लेकिन कब होंगे? जायको। लगता है वो बहुत दुखी है। हाँ। ये सब तुम्हारी गलती है। घर आ गई। हेलो, जायको बोल रही हूँ। हाँ हाँ मैं ही हूँ, बोलिए क्या बात है? वो टाइम मशीन के सामने हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसे तो हम नहीं जा पाएंगे। हाँ। अब क्या करें? हे जियान, तुम कहाँ से आ गए? अरे तुम्हें तो मैं, ये तो मैं हूँ। तुम्हारी नजरों से देखें तो मैं आने वाले कल का मैं हूँ। अरे हाँ, ये तो कल वाला जियान है। दरअसल अभी अवार्ड के चीफ एडिटर ने कुछ बात करने के लिए जायको को बुलाया है। इस बार वो हार गई, लेकिन हमें लगता है तुम्हारे पास काफी टैलेंट है, तो अगली बार कुछ नया और अच्छा लिखना और हमें जरूर बताना। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। खुश हो जाएगी। जायको, रुक जाओ। तुम उसे अभी नहीं बताओगे जियान? नहीं, अगर ऐसा ही होना है तो उसे कल ज्यादा खुशी होगी।